हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या इंस्टीट्यूट। क्लास 10 चैप्टर 9 का क्वेश्चन करेंगे। 15th क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे। ए स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। एक हाईवे टावर के फुट तक जाता है। ये ले लेते हैं हम यहाँ पे एक तरह से टावर, और ये हाईवे टावर के फुट तक जा रहा है, ठीक है। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर। यहाँ पे एक पर्सन खड़ा हुआ है टावर के टॉप पे। यहाँ से वो देखता है, ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। यहाँ से इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री उसको नजर आता है। विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर। ये कार टावर की तरफ को चल रही है, इधर की तरफ को। विद यूनिफॉर्म स्पीड 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। 6 सेकेंड के बाद मान लेते वो कार यहाँ पे आ गई। अब इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 60 डिग्री हो गया, मतलब ये 60 हो गया और ये हो गया 30 डिग्री। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। यहाँ से यहाँ आने में कार को कितना टाइम लगेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो फिगर सामने है, आपको नजर आ रही है, फिगर के हिसाब में लिख देते हैं। हाइट ऑफ टावर ए बी हमारे पास है, इसको हम मान लेते हैं एच। स्पीड मान लेते हैं, मान लेते हैं कार की स्पीड है वी, वी हमने कार की स्पीड को मान लिया। और सी डी 6 सेकेंड में उसने ट्रेवल किया है, तो डिस्टेंस ट्रेवल इन 6 सेकेंड कितनी होगी। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो ये जो हमारा सी डी हो गया वो कितना हो गया, 6 इंटू वी, क्योंकि डिस्टेंस इंटू स्पीड हमारा, सॉरी डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, मान लेते हैं बी से सी तक पहुंचने पे उसको टी टाइम लगा। लेट टाइम टेकन टू रीच टी टू बी, टी हमने मान लिया जो हमें फाइंड करना है। तो इसलिए बी सी कितना हो गया, वही डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, वी इंटू टी। तो ये हो गया हमारा वी इंटू टी, और ये हो गया 6 इंटू वी। बस अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बड़ा आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और हमें फाइंड क्या करना है, टी फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी सी एच अपॉन वी टी कितना हो गया, 10 60 डिग्री, यानी अंडर रूट 3। यहां पे एच की वैल्यू हो गई अंडर रूट 3 इंटू वी इंटू टी। अब हम ले लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी डी, पूरा ट्राइंगल ले लेते हैं, उसमें होगा एच अपॉन 6 वी प्लस वी टी 10 30, यानी 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, कैलकुलेशन बिल्कुल आसान होगी इस क्वेश्चन में, कुछ भी खास बात नहीं है। बस अब हमें यहाँ पे क्या करना है, एच की जगह ये वाली वैल्यू रख देनी है, रूट थ्री वी इंटू टी। एच की जगह हमने यहाँ पे ये लिख दिया। इधर आप देख सकते हो किसमें से वी कॉमन आ गया, तो अंदर बच गया 6 प्लस, ये v से v कट गया, 3t इक्वल टू 6 प्लस टी, 3t माइनस टी इक्वल टू 6, तो t इक्वल टू आ गया 3 सेकेंड। इसका मतलब कार ने यहां से यहां तक पहुंचने के लिए
3 सेकंड लिए हैं और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए 6 सेकंड। तो टोटल टाइम अगर पूछा जाता है तो 9 सेकंड यहाँ पे हमारा टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल टाइम ही लिख देते हैं 9 सेकंड। तो ये क्वेश्चन था, उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा, काफी इंपॉर्टेंट और यूनिक क्वेश्चन था। स्क्रीन पे प्लेलिस्ट नजर आ रही होगी चैप्टर 9 की, वहां से आप और भी क्वेश्चन देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।